हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स ऑफ आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सीड्स क्या होते हैं? व्हाट इज सीड्स? सीड्स जैसे हम मैंगो खाते हैं, मैंगो के अंदर जो गुठली होती है वो क्या होता है? सीड होता है, बीज होता है, मैंगो सीड होता है वो। ग्वावा हम खाते हैं, ग्वावा के अंदर बहुत सारे छोटे 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 हार्ड जो दाने जैसे होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्वावा सीड होते हैं। इन्हीं से हम दोबारा ग्वावा प्लांट, मैंगो प्लांट, इनको मिट्टी में डाल करके, सॉइल में डाल करके दोबारा से हम प्लांट उगा सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर जो हार्ड थिंग होती है, जैसे जामुन खाते हैं उसके अंदर भी सीड्स होते हैं, और एप्पल खाते हैं एप्पल के अंदर भी बहुत सारे 3-4-5 छोटे सीड्स आपको मिलेंगे छोटे छोटे। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर सीड होती है, और उन्हीं से हम दोबारा दूसरे न्यू प्लांट उगा सकते हैं। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। गोपाल वेट कर रहा था अपनी मौसी की फैमिली का जो उनसे मिलने आ रहे थे। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। दे विल बी, वे आएंगे नेक्स्ट डे यानी अगले दिन आएंगे। विल है तो अभी आने वाले, आए नहीं हैं, तो वे अभी कब आएंगे? नेक्स्ट डे आएंगे हॉलीडेज के लिए, उनके छुट्टियों के लिए, यानी कि उनके यहाँ वो छुट्टियाँ बिताने आएंगे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजन्स। ही वॉज थिंकिंग अबाउट, वह किसके बारे में सोच रहा था? ऑल द फन, जो वो मस्ती करेंगे, फन यानी मस्ती करना, एंड नाइस फूड, और जो अच्छे अच्छे फूड खाएंगे, दैट ही वुड हैव विथ हिज, जो अपने कजन्स के साथ, हिज कजन्स, उनके अपने कजन्स के साथ जो वो खाएंगे अच्छे अच्छे फूड, जो मस्ती करेंगे, उनके बारे में वो सोच रहा था। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, उसके बाद ही, तुरंत बाद उसकी मम्मी ने उसको बुलाया। गोपाल बिफोर यू स्लिप, मम्मी ने क्या कहा? गोपाल बिफोर यानी पहले, यानी इसके पहले कि तुम सो जाओ, रिमेम्बर टू सोक टू स्मॉल बाउल्स, याद रखो, रिमेम्बर मतलब याद रखो, टू सोक, सोक मतलब भिंगोना, टू स्मॉल बाउल्स, दो छोटे बाउल। बाउल क्या होते हैं? कटोरीज, जो हम सबके घर में होती है कटोरियाँ, जिसमें हम दाल सब्जी खाते हैं ना, दो छोटे बाउल ऑफ चना, चना यानी ग्राम। उसने क्या बोला उसकी मम्मी ने, कि इसके पहले कि तुम सो जाओ, याद रखना कि दो छोटे बाउल चने को सोक कर दो, भिंगो दो। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस, वह कहाँ जा रही थी? उसके बुआ के घर। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और वह कब लौटेगी? सुबह, अगली सुबह को लौट आएगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना, जब वह चना भिंगो रहा था, गोपाल थॉट, गोपाल ने सोचा, हाउ विल टू स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। कैसे यह दो छोटे बाउल जो हैं, जब उसकी मम्मी ने बोला था ना कि दो छोटे बाउल चना भिंगो देना है, सोक कर देना है, तो गोपाल क्या सोच रहा था? जब वो चने भिंगो रहा था तो बच्चे तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं ना, तो गोपाल ये सोच रहा था, हाउ विल टू स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस, दो छोटे बाउल चने के, ऑफ दिस मतलब चने के, बी इनफ, इनफ यानी पर्याप्त, फॉर 8 पर्सन, 8 लोगों के लिए सिर्फ दो स्मॉल बाउल जो चने हैं वो कैसे पर्याप्त होंगे, कैसे इनफ होंगे। सो ही सोक्ड, इसलिए उसने सोक कर दिया, भिंगो दिया, अनदर टू बाउल्स ऑफ चना, उसने दो और बाउल चने को भिंगो दिया, दो तो उसकी मम्मी ने कहा था और दो उसने
सोचा कि कम पड़ेगा, इसलिए उसने दो बाउल और चने भिंगो दिए। When his mother returned the next morning, जब उसकी मम्मी returned यानी लौटी अगली सुबह, next morning यानी अगली सुबह, जब उसकी मदर अगली सुबह लौटी, she saw that the chana were overflowing from the vessels. उन्होंने देखा, she saw मतलब उन्होंने देखा, क्या देखा, that मतलब कि चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल, वेसल यानी बर्तन, ओवरफ्लोइंग मतलब बाहर आना, चने जो थे वो बर्तन से बाहर आ रहे थे। तो आपके घर में भी कभी चने को भिंगोते होंगे, तो अगर बर्तन ज़्यादा भिंगो दिया तो क्या होता है, बर्तन से ज़्यादा, क्योंकि भीगने के बाद चने और बड़े बड़े हो जाते हैं और फूल करके ऊपर तक आ जाते हैं। तो हमने अगर छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज चने भिंगो दिए तो वो बर्तन से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। तो यही हुआ गोपाल के साथ। हाउ मच डिड यू सोक, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, तो ये मम्मी पूछ रही है कि तुमने कितने भिंगो दिए। आस्क्ड हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा। हाउ डिड दैट हैपन, यह कैसे हो गया, वंडर्ड गोपाल, वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, गोपाल आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसे हो गया। यू सोक्ड टू मच, तुमने बहुत ज्यादा भिंगो दिया, टू मच मतलब बहुत ज्यादा। एनी वे इट इज गुड, ठीक है, ये अच्छा है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अब मैं इनमें से आधा ही बनाऊंगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और आधा मैं छोड़ दूंगी, लीव मतलब छोड़ देना, आधा मैं छोड़ दूंगी स्प्राउट होने के लिए, स्प्राउट यानी कि अंकुरित होने के लिए, आधा मैं छोड़ दूंगी, आधा बनाऊंगी और आधा अंकुरित होने के लिए, स्प्राउट होने के लिए छोड़ दूंगी। आई कैन सेंड दिस दिस टू योर आंट, आई कैन सेंड दिस मतलब इसको मैं भेज सकती हूँ तुम्हारी आंट को। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने कहा है, टोल्ड मतलब कहा, डॉक्टर ने कहा है उनको स्प्राउट खाने के लिए। मदर सेड, मदर ने कहा, मम्मी ने कहा। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ, उन्होंने टाइड यानी बांध देना, आधे चने को उन्होंने बांध दिया एक वेट क्लॉथ यानी कि गीले कपड़े में, आधे चने को बांध दिया। एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, हंग मतलब लटका देना, और उन्होंने उसको स्प्राउट होने के लिए लटका दिया। डिस्कस, डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है। व्हाट थिंग आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई, What things are soaked before cooking in your house? आपके घर में कौन सी चीजों को कुकिंग करने से पहले भिगोया जाता है, सोक किया जाता है। बहुत सारे घरों में दाल बनाने से पहले भी भिगो दिया जाता है, चावल बनाने से पहले भी चावल को, राइस को भिगो करके रखा जाता है। Why? अगर ये करते हैं तो क्यों करते हैं, Why? ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर इनके हम आंसर कंप्लीट करेंगे। व्हाट सेकंड नंबर, व्हाट थिंग डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, कौन सी चीज़ें आप स्प्राउट होने के बाद खाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, वे कैसे स्प्राउट होते हैं, कैसे स्प्राउट हो जाते हैं या कैसे अंकुरित हो जाते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, और कितना समय लगता है इनमें, यानी कि अंकुरित होने में कितना समय लगता है। हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड टू ईट स्प्राउट्स, व्हाई, या किसी डॉक्टर ने या किसी ने किसी को कहा है जिसको आप जानते हो कि उसको कहा गया हो स्प्राउट खाने के लिए, और क्यों क्यों कहा गया होगा। तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर चुके हैं ऑलरेडी, आंसर देखते हैं।
Here are few items which we soak before cooking. Soybean pulses, chana, rajma, etc. These are soaked because it softens and makes it easier for grinding. Second question, what things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? Answer. After sprouting, we can eat items like chana, moong, etc. We can sprout them by soaking it in water and then by wrapping it in wet cloth so that they get proper water and air. Chana takes around 36-48 hours in sprouting and moong takes around 24-36 hours. Question number 3. Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? Why? Answer. Yes, doctor has advised me to eat sprouts as it is good for health. Next page. Do this and find out. इसको करना है और पता करना है. Do you remember that in class 4th you did an activity with seeds? क्या आपको याद है? Remember मतलब याद होना. क्या आपको याद है कि आपने स्टैंडर्ड 4th में एक एक्टिविटी की थी किसके साथ? सीड्स के साथ, यानी बीजों के साथ. Now try another one. अभी इस बार दूसरी एक्टिविटी ट्राई करते हैं. टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. कुछ चने ले लो और 3 बाउल्स, 1, 2, 3, 3 बाउल्स यानी 3 कटोरियां ले लेनी है. पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल. 5 चने को पहले बाउल में रखना है. जो फर्स्ट बाउल हमने लिया उसमें 5 चने को हम डाल देंगे. एंड फिल इट अप विथ वाटर. 5 चने डालने के बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट बाउल में पानी से भर देंगे. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? पुट अ डंप पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल. इसके बाद हमें क्या करना है? डंप यानी कि नम या गीला कपड़ा. एक गीला कपड़ा ले लेंगे, एक कोई टुकड़ा कपड़े का या फिर कपड़ा ले लेंगे और सम कॉटन वूल. और क्या करेंगे? कॉटन वूल यानी कि रुई जिसको हम बोलते हैं, या फिर या तो गीला कपड़े का पीस ले लेंगे या फिर रुई ले लेंगे, कॉटन वूल ले लेंगे इन द सेकेंड बाउल. और सेकेंड बाउल में क्या करेंगे? गीला कपड़ा या कॉटन रुई हम ले लेंगे, रुई ले लेंगे और सेकेंड बाउल में उसको रख देंगे. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट. और 5 चने हमने पहले बाउल में डाले थे, उतने ही चने हमें सेकेंड बाउल में डाल देने जिसमें हमने रुई रखा. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट. बराबर नंबर के चने यानी 5 चने यहाँ पर भी हम डाल देंगे. मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट. वेट यानी कि गीला. और श्योर कर लेना है कि जो कॉटन वूल यानी रुई है या फिर कपड़ा है उसको वो गीला होना चाहिए, सूखा नहीं चाहिए, गीला होना चाहिए. लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल. 2 बाउल हमने तैयार कर लिए. पहले बाउल में हमने क्या किया? 5 चना डाला और उसमें पानी भर दिया. सेकेंड बाउल में हमने क्या किया? गीला कपड़ा लिया या फिर रुई लिया, गीली रुई, और उसमें 5 चने हमने डाल दिए चना. और इसके बाद हमें क्या करना है? पुट द सम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल. तीसरे बाउल में हमें क्या करना है कि उसमें सेम नंबर यानी 5 चना बाउल में हमें डाल देना है. डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स. कुछ भी उसमें और नहीं डालना है. इन इट यानी इस बर्तन में और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ 5 चना डालना है. कवर ऑल द 3 बाउल्स और इन 3 बाउल्स को
कवर कर देना है। तो ये एक्टिविटी हमने की, अब इसके इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्व आफ्टर टू डेज एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स। ऑब्जर्वेशन हमें कब करना है? आफ्टर टू डेज, दो दिन के बाद हमें ऑब्जर्वेशन करना है और क्या चेंज हुए ये देखना है, पता करना है। तो क्या क्या चीज़ें हमें पता करनी है? आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या सीड्स एयर लेते हैं? सेकेंड नंबर पे पूछ रहे हैं आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या सीड्स वाटर लेते हैं? व्हाट चेंजेस डिड यू सी, क्या चेंजेस आपने देखे? हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या सीड्स स्प्राउट हुए? बाउल नंबर 1, 2 एंड 3 में ये हमें सब आंसर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। आर द सीड्स गेटिंग एयर, बाउल नंबर 1, नो, क्योंकि हमने पानी डाल रखा हुआ फर्स्ट बाउल में, तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा नो। बाउल नंबर 2 जिसमें हमने कॉटन रखा हुआ है, गीला कॉटन या कपड़ा रखा हुआ है, वेट क्लॉथ, तो यहाँ पर सीड्स को एयर मिलेगी, यस। बाउल नंबर 3 क्योंकि यहाँ पर हमने बाउल में पानी नहीं डाला है और हमने गीले कपड़े को भी नहीं रखा है, तो भी यहाँ पर एयर तो मिलेगी ही चने को। सेकेंड कॉलम में आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या सीड्स को पानी मिल रहा है, पानी ले रहा है सीड? तो फर्स्ट बाउल में हमने पानी भरा था बाउल में, यस। सेकेंड बाउल में क्योंकि हमने गीला कपड़ा या फिर गीली रुई रखी है, तो यहाँ पर भी यस होगा। थर्ड में क्योंकि हमने बाउल में पानी नहीं डाला है, गीला कपड़ा भी नहीं रखा है, तो वहाँ पर पानी मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ हमने थर्ड कॉलम में नो लिखा। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, आपने क्या चेंजेस देखे इनमें तीनों बाउल में? चनास हैव स्वेल्ड अप, क्योंकि हमने फर्स्ट बाउल में पानी भर रखा है तो चने फूल जाएंगे। सेकेंड बाउल में हमने कॉटन रखा है, चनास हैव स्प्राउटेड, चने जो थे स्प्राउट हो गए जिसमें हमने गीला कपड़ा या कॉटन रखा है। और थर्ड बाउल जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ चने डाले थे, तो इनमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। हैव द सीड स्प्राउटेड, फर्स्ट बाउल के सीड क्या स्प्राउट हुए? नो, क्योंकि यहाँ हमने पानी में भर रखा था, उन्हें वाटर तो मिल रहा है, एयर नहीं मिल रहा है, तो ये स्प्राउट नहीं हुए। सेकेंड बाउल में जिसमें हमने गीला कपड़ा या कॉटन रुई रखा, उसमें चने को एयर और वाटर दोनों ही मिल रहा है, तो यस स्प्राउट हो गए ये। और थर्ड बाउल में हमने पानी नहीं डाला है, तो ये चने स्प्राउट नहीं हुए क्योंकि ये चने सूखे थे। टेल एंड राइट, इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, किस बाउल में सीड स्प्राउट हुए? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन, दोनों के बीच में आपने क्या डिफरेंस देखा? दिस बाउल एंड द अदर बाउल, इस बाउल में और दूसरे बाउल में क्या आपने डिफरेंस देखा? ये एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डंप क्लॉथ, गोपाल की मम्मी ने चने को गीले कपड़े में क्यों टाई किया, क्यों बांधा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने रीड कर लिया हुआ है, आंसर देख लेते हैं। सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल टू ओनली, इन द बाउल टू द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर, ये ए एंड डी एंड है, बाई मिस्टेक यहाँ पे ई आई एन डी लिखा है,
it is and, A-I-A-N-D, and. Here is also mistake, it is A-N-D, and. Okay. Seeds could sprout in bowl 2 only. Sirf dusre bowl ka, dusra bowl mein jo humne chana rakha tha, sirf wahi sprout hoga, kyunki wahan par air aur water dono hi mil raha hai seed ko. In the bowl 2, the seed got both air and water and hence could sprout. On the other hand, in bowl, only water was available and बाउल नंबर वन ओनली वाटर वॉज अवेलेबल. पहले बाउल में सिर्फ पानी था. हेंस द सीड्स कुड नॉट स्प्राउट. इसलिए सीड वहाँ पर स्प्राउट नहीं हुए क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं मिल रहा था, सिर्फ पानी मिल रहा था. इन द बाउल 3 देयर वॉज नो वाटर एंड नो एयर एंड हेंस सीड्स कुड नॉट स्प्राउट. और थर्ड बाउल में ना ही वाटर मिल रहा था और ना ही एयर मिल रहा था, इसलिए सीड स्प्राउट नहीं हुए. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डंप क्लॉथ. गोपाल की मदर ने एक गीले कपड़े में चने को क्यों बांधा, टाई किया. आंसर, गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डंप क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर. क्यों बांधा, ताकि सीड को एयर और वाटर दोनों मिल सके. स्प्राउट होने के लिए एयर और वाटर दोनों ही जरूरी हैं. यहाँ पर हमें एक पिक्चर ये बनी हुई दिख रही है. क्या है ये? मसूर की दाल. जो दाल हम खाते हैं ना, मसूर की दाल जो रेड कलर की होती है और अगर छिलका हो उसके ऊपर तो वो ब्लैक कलर का होता है. व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर, अगर साबुत मसूर को आप तोड़ दो. स्प्लिट करना यानी कि विभाजित करना या तोड़ देना. अगर पूरे मसूर को, जो साबुत मसूर होता है उसको आप तोड़ दो, यू गेट मी, आप मुझे पा सकते हो. जैसा ये लाल मसूर दिख रहा है, मसूर दाल, यू गेट मी यानी कि मसूर दाल, तुम मुझे पा सकते हो यानी कि मसूर दाल को. बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन अगर तोड़ दिया आपने तो मुझे स्प्राउट नहीं कर सकते हो. साबुत मसूर स्प्राउट हो सकती है, लेकिन तोड़ करके उसको हमने लाल कर दिया तो वह स्प्राउट नहीं होगा. कैन यू थिंक वाई, क्या आप सोच सकते हो कि क्यों, ऐसा क्यों होता है कि तोड़ने के बाद मसूर दाल स्प्राउट नहीं होता. ड्रॉ करना है. लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग. अपने स्प्राउटेड चना को, जो आपने चना स्प्राउट किया उसको केयरफुली देखिए और मेक इट्स ड्राइंग, और स्प्राउटेड चना का ड्राइंग बनाइए. तो ये तो आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं. प्रोजेक्ट, प्लांट योर सीड, प्लांट योर सीड्स, अपने सीड को प्लांट करना. कैसे प्लांट कर सकते हैं अपने सीड को हम? टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन. क्या करना है यहाँ पर हमें? टेक अ क्ले पॉट. क्ले क्या होता है? मिट्टी. मिट्टी का बर्तन लीजिए और अ टिन कैन, या फिर टिन से बना हुआ एक कैन भी आप ले सकते हैं, डिब्बा ले सकते हैं. विथ अ वाइड माउथ, जिसका जो मुंह हो वो कैसा हो? वाइड हो, यानी चौड़ा हो. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन. बॉटम यानी नीचे का जो भाग होता है, बॉटम बोलते हैं उसको. उसमें हमें क्या कर लेना है? एक छेद कर लेना है बॉटम में, कैन के बॉटम में, तले में छेद कर लेना है. फिल योर कैन विथ सॉइल, अपने कैन को मिट्टी से भर दीजिए. पुट फोर और फाइव सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल. पुट फोर और फाइव सीड, उनमें क्या आपको डालना है? चार से पांच चने डाल देने हैं ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली. और हमें क्या करना है? इसके बाद प्रेस करना है उनको आराम से, धीरे से, जेंटली प्रेस करके मिट्टी के अंदर उनको, बीज को, चने को हमें दबा देना है. डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड,
आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अलग अलग ग्रुप बना लिया हमने। तो क्या करना है कि अलग अलग ग्रुप के बच्चे अलग अलग तरीके के सीड को इसी तरीके से उगाएं, जैसे कि सच एज, मतलब जैसे कि मस्टर्ड, सरसों, फेन्युग्रीक यानी मेथी, सीसम, तिल और कोरिएंडर यानी धनिया, ये सब के बीज भी इसी तरीके से दूसरे ग्रुप के बच्चे जो हैं वो उगाएं। राइट, नेम ऑफ द सीड। अब सभी बच्चों ने अलग अलग प्रकार के सीड उगाए, तो यहाँ पर कुछ चार्ट दे रखा हुआ है, इसको हमें फिलअप करना है। नेम ऑफ द सीड, कौन सा सीड आपने लिया, चने का लिया, मस्टर्ड का लिया, कोरिएंडर लिया, क्या लिया, वो उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, डेट का नाम, डेट लिखना है जिस दिन आपने उनको प्लांट किया, मिट्टी में दबाया, मिट्टी में लगाया। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉयल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉयल, वो दिन का नाम भी लिखना है जिस दिन आपने ऑब्जर्वेशन किया कि कुछ उसमें से बाहर आ रहा है। स्टार्ट फिलिंग द टेबल, नीचे टेबल दे रखा है, इसको स्टार्ट कर दीजिए फिलअप करना। अभी यहां पर कुछ दिख रहा है लिखा हुआ सर्कल में, टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल, टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट कितना बड़ा, जैसे आपकी हाइट होती है ना वैसे ही प्लांट की भी हाइट होती है, आप छोटे से बड़े होते जाते हो उसी तरीके से प्लांट भी छोटे से बड़ा होता है। तो हाइट नापने के लिए क्या यूज करना है, एक थ्रेड यूज करना है, धागा यूज करना है, एंड मेजर इट, और नाप लो इसको। इसके बाद क्या करना है आपको, धागे से प्लांट को नापने के बाद स्केल से धागे को नाप लीजिए, तो पता चल जाएगा कि प्लांट की हाइट क्या है। अब ये टेबल हमें फिलअप करना है, क्या क्या फिलअप करना है, डेट फिलअप करना है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर, सीएम यानी कि सेंटीमीटर में हाइट, प्लांट की हाइट नापनी है। नंबर ऑफ लीव्स सीन, कितने लीव्स दिखाई दी, उनके नंबर लिखने हैं, एक, दो, तीन, चार, कितनी। एनी अदर चेंजेस, क्या कुछ और चेंजेस हुए, सबसे पहले हमने क्या फिलअप किया, ऊपर का जो क्वेश्चन हमने रीड किया था, नेम ऑफ द सीड, मस्टर्ड सीड, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, सेकेंड अक्टूबर 2012 यहाँ पर लिखा हुआ है, बट अभी क्या चल रहा है 2021, और जिस डेट को आप प्लांट करेंगे उस डेट का नाम आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है, सेकेंड अक्टूबर 2012, द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉयल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। अभी यहाँ पर हम टेबल देख लेते हैं, 10th अक्टूबर, 11th अक्टूबर, 12th अक्टूबर एंड 14 अक्टूबर को हमने यहाँ पर डेट लिख लिया है। हाइट ऑफ द प्लांट, 10th अक्टूबर को प्लांट की हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर, 11th को 1.5, 12th अक्टूबर को 2.5 सेंटीमीटर एंड 14th ऑफ अक्टूबर को 4 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप प्लांट ग्रो हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। अभी क्या देखना है, नंबर ऑफ लीव्स सीन, 10th अक्टूबर को कितने लीव्स हमें दिखाई दिए, 2, 11th को 3 एंड 12th अक्टूबर 4 लीव्स एंड 14th ऑफ अक्टूबर 6 लीव्स। नेक्स्ट कॉलम, एनी अदर चेंजेस, कोई और चेंजेस आपने देखे, फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा नो, सेकेंड में भी नो एंड थर्ड कॉलम में क्या लिखा, स्टीम बिकम थिकर, स्टीम यानी तने, जो उनके नीचे की स्टीम होती है, तने जो होते हैं वो थिकर यानी मोटे होने लग गए, स्टीम बिकम इवन मोर थिकर, स्टीम और भी ज़्यादा मोटे हो गए, तो दिन पे दिन स्टीम इनकी मोटी होती जा रही है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज चैप्टर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम। थैंक यू, टेक केयर।